पुशअप्स तो सभी करते हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो परफेक्ट टेक्निक है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वी विल बी बैक। व्हाट्सएप फिटनेस फैमिली, दिस इज निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ टू डू अ परफेक्ट पुशअप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट पुशअप इज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी वेट कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जिसको करने के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, एज वेल एज आप इस एक्सरसाइज को कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। वेदर आप जिम में हैं, घर पे हैं, पार्क में हैं, कहीं पे भी इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजिली परफॉर्म किया जा सकता है। अब क्योंकि दोस्तों पुशअप जो है उससे आप अपनी चेस्ट मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, अपने ट्राइसेप्स मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों हम स्पेसिफिकली चेस्ट मसल्स के लिए आप कैसे परफेक्टली पुशअप सीख सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिकली परफेक्ट चेस्ट के लिए पुशअप्स जो हैं वो 5 to 6 स्टेप्स में हम सीखने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 1, जो कि है दोस्तों आपके हाथों की प्लेसमेंट। सबसे पहले जब आप पुशअप करते हैं तो आप अपने हाथों को प्लेस करते हैं, तो आपके हाथों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि आपकी जितनी शोल्डर की विड्थ है दोस्तों, आपने अपने हाथों को उससे स्लाइटली बाहर की तरफ प्लेस करना है, समवॉट लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी शोल्डर विड्थ अभी है और यहाँ पर मैंने हाथों को थोड़ा सा वाइड प्लेस किया है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपके पैरों की प्लेसमेंट। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा कुछ लोग अपने पैरों को इतना ज़्यादा वाइड खोल लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम खोल के रखते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम रूल अप्लाई होता है। शोल्डर विड्थ के हिसाब से आप अपने पैरों को इजीली प्लेस कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कोर एंगेज करने का। तो कोर आपने कैसे एंगेज करना है, सिंपली आपने अपने बेली बटन को स्पाइन की तरफ खींचना है और आपका जो कोर है वो ऑलमोस्ट एंगेज हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप आता है दोस्तों शोल्डर पैकिंग। शोल्डर आपने कैसे पैक करने हैं, सबसे पहले आप शोल्डर्स को करेंगे रिट्रैक्ट, उसके बाद डिप्रेस। तो इसको करने से आपके शोल्डर जो हैं वो पैक हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों फिफ्थ स्टेप की ओर, जो कि है एल्बो प्लेसमेंट। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई पुशअप परफॉर्म करते हैं तो उनकी एल्बोज या तो कुछ इस तरीके से जाती है, या तो कुछ इस तरीके से जाती है, या फिर कुछ इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपकी एल्बोज कभी भी इस तरीके से बाहर की तरफ फ्लेयर आउट नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों दुनिया का सबसे गलत तरीका है पुशअप को परफॉर्म करने का। इससे आपकी शोल्डर्स की हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आने वाले टाइम में आपके शोल्डर्स जो है वो बहुत ही जल्दी जवाब दे जाएंगे, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम स्पेसिफिकली चेस्ट के लिए पुशअप सीख रहे हैं, तो आपकी जो एल्बोज की प्लेसमेंट है वो हमेशा डायगनली ही जानी चाहिए, ना तो एकदम क्लोज टू योर बॉडी, ना तो एकदम बाहर की तरफ फ्लेयर आउट करनी है, डायगनली जानी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है दोस्तों प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न आपका कैसे होना चाहिए, जब हम परफेक्ट पोजीशन ले लेते हैं अपनी पुशअप को करने की, तो लोअरिंग फेज में आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप इनहेल करेंगे यानी कि सांस अंदर लेंगे, और जब आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ पर आपने एक्सहेल करना है, यानी कि जब आपको नीचे जाते हुए आसानी होगी वहाँ पर आपने सांस अंदर लेनी है, और जब आप अपनी बॉडी की ताकत लगा के अपने आप को ऊपर पुश करेंगे तो आपने सांस बाहर छोड़नी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है अपनी नेक पे ज़्यादा स्ट्रेन देना। आपकी नेक जो है दोस्तों वो हमेशा न्यूट्रल रहनी चाहिए। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा जब भी कोई पुशअप परफॉर्म करता है तो उनकी नेक कैसी रहती है, या तो ऐसे वो सामने पता नहीं क्या देख रहे होते हैं, या फिर नीचे अपने पैरों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस चीज़ को करने से आपकी नेक में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जो कि आपकी लॉन्जिविटी के लिए ठीक नहीं है। तो नेक आपकी कैसी रहनी चाहिए, नेक आपकी न्यूट्रल रहनी चाहिए, समवॉट लाइक दिस। ये आपने सिंपली ज़मीन को देखना है, आपने आप अपने हाथों को देख सकते हैं, ना तो आपने ऐसे करना है, ना तो आपने ऐसे करना है, नीचे देखना है, सामने। और इन्हीं सारे पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आप अपने पुशअप को परफेक्टली कर सकते हैं। तो लेट मी डेमोंस्ट्रेट यू कि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट पुशअप कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट जाएंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए दोबारा से बता रहा हूँ, आराम से लेटना है, हाथों की प्रॉपर पोजिशन रखनी है, पैरों को अच्छे से प्लेस करना है। थर्ड पॉइंट, कोर एंगेज करना है। तो कोर एंगेज करने के बाद शोल्डर्स को पैक करना है, उसके बाद इनहेल at the bottom and exhale at the top.
और ये होते हैं दोस्तों आपके परफेक्ट पुशअप फॉर योर चेस्ट मसल्स। सो गाइज, यही थी पुशअप को परफॉर्म करने की परफेक्ट टेक्निक। अगर आप इसी तरीके से पुशअप को परफॉर्म कर रहे थे तो थम्स अप टू यू। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट को मिस आउट कर रहे थे तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें। मेक श्योर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो यूज़र नेम है वो है निखिल नौटियाल, तो ज़रूर सपोर्ट करें वहाँ पर भी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल राइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़।